लड़की का कॉम्प्लिकेटेड केस ने तो मेरा दिन का चैन, रात का नींद और मेरा पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिला के रख दिया है। एडवांस रिसर्च स्टडी करना पड़ेगा डॉक्टर साइरस। डॉक्टर जी, आई सो कुछ तो गड़बड़ छे। डॉक्टर साहब ये लीजिए, ये रही आपकी काली काली चाय। और ये रहा करेले का सैंडविच। अरे छपरी, हाँ जरा एक मिनट बेटा, बैठो इधर। मैं आज भी फेल हूँ, आपकी कुर्सी पे कैसे बैठ सकता हूँ? अरे मैं तुम्हें हमेशा कहाँ बैठने के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट, कम। अच्छा बैठो। अब ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें एक दो दिन बोलूंगा, तुम वहां से बुक उठाकर मेरे हाथ में दे देना। हाँ, एक दो तीन। ये तो खुला ही है। तो कुछ नहीं, तुम जा सकते हो। तुम जा सकते हो। तुम ये तो खाली है, छपरी ने तो भरा था। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है? क्या सच में मुझे भ्रम की बीमारी हो गई है? कब ये मेरी दिल की धड़कन कम क्यों हो रहे? बंद होगी बस। मेरे दिल की धड़कन बंद हो गई। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? बस डॉक्टर साहब को कुछ हो गया? किसको क्या हुआ है ये तय करने का काम डॉक्टर का है, समझे? बस वही तो बीमार है, उसका दिमाग बंद हो गया। प्रताप मुझे बचाओ, मेरा हार्ट बीट बंद हो गया। देखा, हार्ट बीट बंद हुई है, दिमाग। एक मिनट। अरे अगर तुम्हारी हार्ट बीट बंद हो गई है तो तुम जिंदा कैसे हो? पता नहीं मेरे साथ क्या 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 हो रहा है। थर्मोमीटर लाल हो गया, हार्ट बीट बंद हो गया, सैंडविच हाफ में से फुल हो गया और चाय कप में से गुल हो गया। मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ेगा मुझे हॉस्पिटल में एडमिट। ओह माय गॉड, पारसी एम्बुलेंस सर्विस, दिस इज एन इमरजेंसी, आई एम डॉक्टर साइरस डॉक्टर स्पीकिंग। अरे प्लीज डॉक्टर मेरी बात सुनो, प्लीज। यस दिस इज एन इमरजेंसी, साइड प्लीज दिस इज एन इमरजेंसी। मेरी बात सुनो डॉक्टर। सर डॉक्टर को क्या हुआ? आई जस्ट डोंट नो विकी, कुछ अजीब वो गरीब बातें कर रहा है। पहले कहता है कि हार्ट बीट बंद हो गई, फिर कहता है सैंडविच हाफ में से फुल हो गया, चाय के कप में से चाय गुल हो गया। आई जस्ट डोंट नो, अपने आप ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं? जीनी? हाँ? जी, कुछ नहीं। हाँ, वैसे विकी मुझे लगता है कि तुम्हारे हेल्थ के चक्कर में डॉक्टर की हेल्थ खराब हो गई है। शायद इसलिए तुम्हारे मेडिकल रिपोर्ट्स को लेकर वो कुछ बहकी बहकी सी बातें कर रहे थे। वेल लेट्स सी, तुम एक काम करो,
डॉक्टर डॉक्टर को दो तीन दिन आराम करने दो, तुम डॉक्टर मचन के पास हो आओ और अपना मेडिकल चेकअप करवा दो। एंड यस, इफ ही सेज ओके यू कैन फ्लाई। आई विल फ्लाई सर। हैं? आई विल गो सर। हेलो। हेलो। यस मिस्टर विक्की स्पीकिंग। मैं डॉक्टर मर्चेंट बोल रहा हूँ। डॉक्टर मर्चेंट? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। या आपके सारे टेस्ट पॉजिटिव आए, अब आप प्लेन उड़ा सकते हैं। सच? नहीं, आई मीन अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच सर। या 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 यस। क्या हुआ जुजू? जुजू आप मुझसे गुस्सा हो? हाँ। क्यों? वो डॉक्टर के साथ ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? जुजू को पता चल गया? जुजू देखो, उसी डॉक्टर की वजह से आप कितने परेशान थे, इसलिए मैंने उसे... इसलिए तुमने उसे परेशान किया? ये क्या तरीका हुआ जीनी? जुजू, जुजू सॉरी, मुझसे गलती हो गई। जुजू देखो, मैं कान पकड़ के माफी मांग रही हूँ, वापस ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है तो बताओ, इतने खुश क्यों थे? तुम्हें पता है जीनी, मैं अपने फिजिकल टेस्ट में पास हो गया, मैं क्लियर हो गया जीनी, क्लियर हो गया। मतलब अब मैं फिर से फ्लाई कर सकता हूँ, मैं फिर से प्लेन उड़ा सकता हूँ जीनी। मुझे पता था सब ठीक हो जाएगा। यस। अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ। प्रिया अब भी मुझसे नाराज है, उसे कैसे समझाऊं, कैसे मनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जूजू मैं आपसे एक बात पूछूं? प्रिया, प्रिया इतनी नकचढ़ी है, हमेशा आपसे झगड़ा करती रहती है, फिर भी आप उसी के बारे में सोचते हो, आप उसे इतना प्यार कैसे कर सकते हो? मैं और प्रिया बचपन से एक दूसरे को जानते हैं जीनी, बहुत अच्छे दोस्त थे। इनफैक्ट मेरे पापा और प्रिया के पापा कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, शायद इसीलिए जब शादी की बात आई तो मैं मना नहीं कर पाया। हाँ वो थोड़ी नकचड़ी है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, शायद इसे ही प्यार कहते हैं। चलो कुछ तो उम्मीद है, ये कोई प्यार व्यार थोड़ी ना है। कुछ नहीं, एक तो इतनी मुश्किल से जुजू का मूड ठीक हुआ था। देखो जुजू, आप फिक्र मत करो, प्रिया को मनाने में मैं आपकी मदद करूंगी, कुछ सोचते हैं। ये देखो, इससे प्रिया जरूर मान जाएगी। ये क्या है? अरे वो हमेशा डाइटिंग करती रहती है, मीठा बिल्कुल नहीं खाती है वो जीनी। पापी तो इतनी कड़वी है। क्या? कुछ नहीं, मैं कुछ और सोचती हूँ। हाँ ये देखो, ये तो प्रिया को अच्छा लगेगा। ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। ब्यूटी फूल? पर हमारे यहाँ तो ऐसे फूल कहते हैं। ब्यूटी फूल नहीं, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम कितनी अच्छी हो जीनी, मैं जितना भी तुम्हें डांटूं तुम हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश करती हो। चलो चलो आज मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश करता हूँ, बोल क्या चाहिए तुम्हें? जुजू आप मुझे कभी अपने साथ बाहर नहीं लेके गए, आपके साथ बाहर जाना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात? चलो एक काम करते हैं, आज
शाम को डिनर पे चलते। ये? लेकिन जूजू, मैं मेरे कपड़े कुछ और पहनूं? देखो जीनी, तुम्हें जो भी अच्छा लगता है ना, उसी के जैसे कपड़े पहनो। ये क्या है जीनी? पर जूजू, आप ही ने तो कहा कि जो मुझे अच्छा लगता है उसके जैसे कपड़े पहनो, और मुझे तो जूजू अच्छा लगता है, तो मैंने जूजू जैसे कपड़े पहने। ऐसे नहीं कैप्टन जीनी, आजकल की मॉडल लड़कियां कपड़े पहनती है ना, वैसे पहनो। अच्छा सुनो, तुम्हें एक मिनट। हाँ लो, इस मैगजीन में मॉडल लड़कियों की तस्वीरें हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे वैसे पहन लो। बहुत हो गया, आज तो मैं दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाऊंगा। कुड़ी बाबा, सेम टू सेम, मैंने लड़की भी पायलट है। अच्छा देखो जीनी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम भी अच्छे बच्चे की तरह गायब हो जाओ। पायलट रानी दुका? अरे आप, फिर से क्या हुआ? अरे ये बिक्की प्रिया को छोड़ के किसी पायलट लड़की के साथ हवाई चक्कर चला रहा है। देखो देखो देखो, देखा? ये तुम्हारा माथा है ना, एकदम गड़बड़ हो गया है। सुनो, अब तुमको भिकी भी लड़की नजर आ रहा है? अरे नना देखो, मैंने कि ये बहुत बड़ा गंडगोल है। अब टाइम आ गया है कि मैं अच्छी तरह इसका इन्वेस्टिगेशन करूं। अरे अरे सुनो, बिक्की बाबू, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ आर यू? वेरी गुड वेरी गुड। हमने सुना कि आपके एक्सीडेंट हो गए हैं। हाँ, एक्सीडेंट तो हुआ था। गुड गुड, नमने, यू आर लुकिंग गुड। हाँ, आई एम फाइन, आई एम गुड नाउ, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ना मैंने क्या है कि एक तो सवाल का जवाब चाहिए। पूछो। हाल ही में आपने कोई पेइंग गेस्ट रखे हैं? पेइंग गेस्ट? ना मैंने क्या है कि मैं अपनी खिड़की से देखा लड़की को, आपका घर। लड़की लड़की प्रिया, शीज प्रिया, मेरी मंगेतर है। नन्ना, नॉट मैंगोतर, अनदर। Another day we'll discuss about this, Mr. Ganguly. I'm getting late for my office. I'll see you later. ये बोल ची ची, अपना ख्याल रखिएगा, ओके? बाय बाय। जय जय। अरे जरूर झूठ बोलता है, एक फूल दो माली खेलता है। कुछ तो हाय, अब तो इन्वेस्टिगेशन करने का बनता ही हाय। आज तो मैं इस लड़की का मिस्ट्री सॉल्व करके ही रहूंगा। लड़की तो है। अपने साथी का दिल जीतने के मॉडर्न तरीके, मिल गया। लड़की चल रहा है किंतु मैगजीन उड़ रहा है। ए दुग्गा, अपने साथी को खुश करने के लिए उसकी सेवा हरगिज ना करे, बल्कि उससे आधा काम करवाए। अच्छा, तो यहाँ मुझसे गलती हो रही है। इसका मतलब प्रिया जूजू से अपना काम करवाती है, इसीलिए जूजू प्रिया को मुझसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैं थोड़ी ना कम हूँ, मैं जूजू से आधा नहीं घर का पूरा काम करवाऊंगी।
आए। हे विक्की, रेड रोजेस मेरे लिए। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे रेड रोजेस बहुत अच्छे लगते हैं? हाँ, पर ये एक्चुअली तुम्हें पता था आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए ना। अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन ये थैंक यू सो मच। और सुनो, आज रात को मेरे घर पे डिनर पार्टी है। यहाँ पर ये बाय ये प्रिया, देखो ना विक्की ने मुझे कितने खूबसूरत फ्लावर्स गिफ्ट किए। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। अच्छा, एनीवेज, आज रात को मेरे घर पे डिनर पार्टी है, तो आप लोगों को जरूर आना है। ओह श्योर, व्हाई नॉट। दूसरों के बारे में तो मैं नहीं बोल सकती, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। तो क्या है ना, आज मैं और बेला डिनर पे जा रहे हैं। ओए, ये कब डिसाइड हुआ? अभी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं सोच रहा था कि क्यारा इतने प्यार से। नहीं, नो प्रॉब्लम। एनीवेज, बाय। बाय बाय। प्रिया, प्रिया, लिसन टू मी, प्रिया। बेला, आज रात डिनर, डोंट फॉरगेट। हाँ या प्रिया, मेरी प्रिया प्लीज। भाई, मुझे भी अभी भी पता चला इस डिनर प्लान के बारे में, आई स्वेयर। नहीं, मुझे पता है यार। अच्छा सुन, तुम मेरी मदद कर यार प्लीज। डिनर में प्रिया को यह समझाना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इतना करेगा ना तो? पक्का पक्का। और उसे ये नहीं, बस इतना ही करते हैं। ओके। ऐसा तूफान है, सब सामान बिखरा पड़ा हुआ है, कहीं वो जिन आकर जिनी को ले तो नहीं गया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।